हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित या स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, तो आज हम लोग सरला बिरला यूनिवर्सिटी का रिव्यू करेंगे। इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा जानेंगे कि हॉस्टल्स कैसे हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कौन से कोर्सेज ये देते हैं, कोर्सेज अगर देते भी हैं तो किस तरह के स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करते हैं। तो पूरे डिटेल में हम लोग इस कॉलेज के बारे में जानेंगे, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे। और ऐसे भी आप गूगल में जाके सर्च भी कर सकते हैं, इनके वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। ये अपने वेबसाइट में जैसे ही आप इनका नाम लिखेंगे SBU के बारे में, SBU रांची में, तो ये आपको दिखाई देगा वहाँ पे बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन रांची, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं कि सही में ये बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या नहीं है। तो ये तो कुछ देर में ही पता चल जाएगा जैसे ही रिव्यूज़ इसके सामने आएंगे। तो ज़्यादा वीडियो 10 से 15 मिनट की होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। उस बीच में आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा इस कॉलेज के बारे में, ठीक है। वैसे SBU का नाम काफ़ी फेमस है, सरला बिरला का नाम आपने काफ़ी सुना होगा इस एजुकेशन वाले एरिया में। जैसे इनके स्कूल्स हैं, इनके यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक यूनिवर्सिटी का जो ब्रांच है आप समझ सकते हो यहाँ रांची मतलब झारखंड में, फिर आपके अदर स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इनका फैला हुआ है। तो SBU एजुकेशन के मामले में बहुत दिन से सर्व कर रहा है अपने समय में, ठीक है। तो SBU के बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो इनके भाई कोर्सेज के स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ये भाई देते हैं हमें यहाँ पे, कौन कौन से चीज़ों के बारे में आपको एकेडमिक्स में मिलेगा। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन्स लेने के अगर आदी हैं, जैसे आप समझ सकते हो एडमिशन्स ओपन है, मीन्स अभी भी इनके पास यहाँ पे सीट्स खाली हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी होते हैं, मीन्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप बीटेक कर सकते हो, रोबोटिक्स में बीटेक कर सकते हो, जो कि नॉर्मली हर यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ झारखंड में नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादा यहाँ पे जो झारखंड में IIT ISM है, ये सब ही कुछ बड़े बड़े जो IITs हैं NITs है वही प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉर्मल कोई बेसिक यूनिवर्सिटी, बेसिक प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज या ये सब नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो कुछ जो बहुत ही डिमांडेड ब्रांडेड कॉलेज है, जैसे MIT यूनिवर्सिटी रांची में, MIT कॉलेजेस में आपको मिलने का मौका मिल सकता है वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे रोबोटिक्स में आपको पढ़ने का। वैसे यहाँ SBU में भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में बीटेक करने का मौका है, ठीक है। PhD प्रोग्राम्स भी हैं इनके पास, MTech में भी आपका प्रोग्राम्स यहाँ पे है, ठीक है, जिसमें आपका कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग में भी है। बीटेक आपका CSE, EC, EEE, ME, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और आप ये देख सकते हो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। बीटेक लैटरल एंट्री आप ले सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैटरल एंट्री में नहीं जाएगा, क्योंकि लैटरल एंट्री उसको बोलते हैं जैसे डिप्लोमा से जाना, तो डिप्लोमा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज मिलते नहीं है ताकि आप जा नहीं सकोगे, ठीक है। डिप्लोमा में आप देख सकते हो ब्रांचेस हैं, मतलब बीटेक में सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MCA के कोर्सेज यहाँ पे हैं, BCA कोर्सेज हैं, BSc आप मैथमेटिक्स कर सकते हो, ऑनर्स कर सकते हो, ठीक है। आप अगर आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से पीछे अगर आप जाके देखना चाहो तो आप यहाँ पे और प्रोग्राम्स में जैसे कोर्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज देख सकते हो, ठीक है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में क्या क्या हो सकता है, BBA हो सकता है, MBA के कोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ भी MBA के कोर्सेज, BBA इन कैपिटल मार्केट्स, BBA प्लस LLB, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो BBA प्लस LLB के कोर्सेज लेना चाहते हैं। मैं फीस स्ट्रक्चर भी आपको दिखा दूंगा, सबका एक अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, आप खुद भी देख सकते हैं जाके इनके वेबसाइट में, तो आपको अच्छी से जानकारी मिल जाएगी। अकाउंट्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसमें MCOM आप कर सकते हैं, और आप जैसे एक प्रोग्राम में देखना चाहे सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में, योगा एंड नेचुरोपैथी में आप कर सकते हो। एकेडमिक्स में आप देख सकते हो यहाँ इनके यहाँ आके कि कितने सारे जर्नल्स इनके यहाँ हैं, आप टाइप्स देख सकते हो कौन कौन कंपनीज के साथ इनका बड़ा बड़ा टाइप है। तो सरला बिरला यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है, आप इस यूनिवर्सिटी को बिल्कुल चुन सकते हैं अगर आप इसके फीस को अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे IIIT रांची के साथ इनका है, BVU हजारीबाग, TCS के साथ इनका है, BSE इंस्टीट्यूट के साथ है, फिर BIT सिंदरी के साथ है। तो ये सब चीज़ें हैं। आप एडमिशन्स कैसे लेना है, आप ऑफलाइन जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो या अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हो, जैसे यहाँ इनका पोर्टल में आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लो। फीस स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसके बाद मैं आपको स्कॉलरशिप दिखाता हूँ, उसके बाद प्लेसमेंट मैं दिखाता हूँ, ठीक है।
फीस स्ट्रक्चर एकदम रिवाइज है, आप देख सकते हो। बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप 4 साल का करना चाहते हो तो आपका ये फीस है, टोटल फीस आपका यहाँ लिख दिया कि आपका 4 साल में कितना लगेगा। हॉस्टल फीस अलग है, हॉस्टल फीस आप समझ सकते हो कि 80 से 90 हज़ार के आसपास लग सकता है। सिविल का हर एक का बीटेक का जो कि फीस वही है, और फिर वही अगर लैटरल एंट्री आएगा तो समझ लीजिए थोड़ा सा फीस कम कर दीजिए, क्योंकि 1 साल कम हो जाता है लैटरल एंट्री में, लैटरल एंट्री 3 साल का होगा बीटेक में, ठीक है। फिर उसी तरह आपको यहाँ डिप्लोमा का मिल जाएगा, बीसीए का मिल जाएगा, बीबीए का मिल जाएगा, बीबीए प्लस एलएलबी का मिल जाएगा, एमटेक का यहाँ फीस मिल जाएगा। देख रहे हैं हर चीज़ का आपको यहाँ फीस है, आप इस वेबसाइट में जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो में से ही आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बीबीए प्लस एलएलबी का फीस देख सकते हैं, टोटल इनका जितना भी 5 साल का कोर्स है तो इसमें आप 5,86,000 आपका लगेगा टोटल, ठीक है। एम ए इन इंग्लिश, एम ए इन इकोनॉमिक्स, एम ए इन संस्कृत अब देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, स्कॉलरशिप भी जानना कि किस तरह के कोई स्कॉलरशिप यहाँ प्रोवाइड की जाती है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा आसानी होगा स्कॉलरशिप में भी। तो जैसे स्कॉलरशिप में आप जैसे देख सकते हैं, अगर कोई फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड किसी का फैमिली मेंबर है तो उनको 10% फी मिलेगा, ट्यूशन फी में माफ़ी होगा फॉर ऑल सेमेस्टर्स, जितने भी सेमेस्टर्स हैं जो भी कोर्सेज में आप इनरोल करते हो। अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेज या कोई डिफेंस फोर्सेज में, तो उनको 15% ऑफ मिलेगा ट्यूशन फी में। अगर आप BAGM यूनिट्स एम्प्लॉयज़ हैं, जरूर इनके कुछ यहाँ के रूल्स होंगे, उनको 25% मिलेगा। अगर आप सरला बिरला स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप वहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं, सरला बिरला पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स रह चुके हैं, तो आपको 25% फी माफ वहाँ भी होगा। आप डिफरेंटली एबल मतलब फिजिकली एबल पर्सन है, उनको भी 25% होगा। और अगर कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कश्मीरी माइग्रेट स्टूडेंट्स रहे हैं तो उनको भी 15% ऑफ मिलेगा। आप देख लीजिए हॉस्टल फीस मैंने आपको बताया था ना कि 80-90 हज़ार के आसपास रहेगा, तो देखिए हॉस्टल फीस आपका 84,000 पर साल पूरा लगेगा, जिसमें फूडिंग लॉजिंग सब अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन बस फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो 7,500 रुपये पर सेमेस्टर आपका वो फीस लगेगा। कॉशन मनी जो रिफंडेबल होगा, ठीक है, वो 5,000 आपको एक टाइम पर जमा करना होगा। अगर आप बीटेक ट्रिपल ई और बीटेक ईसी में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक वहाँ पर एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर मेरिट स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगा। जैसे अगर आप 90% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहेगा, तो 100% ऑन ट्यूशन फी ओनली फॉर ऑल सेमेस्टर। सोच रहे हो 100% फी माफ हो जाएगा आपका ट्यूशन फी हर एक सेमेस्टर तक, ठीक है। अगर 80% ज़्यादा लाते हो तो 50%, और अगर 70% से ज़्यादा लाते हो 25% ट्यूशन फी पूरा हर सेमेस्टर माफ होगा, अगर आप ट्रिपल ई और ईसी में एडमिशन्स लेते हो तो, ठीक है, वो चीज़ें होंगे। यूजी कोर्सेज जैसे बीटेक बीसीए डिप्लोमा बीबीए बीकॉम बीए डिप्लोमा इन योगा नेचुरोपैथी और बैचलर इन योगा एंड नेचुरोपैथी में अगर आप लेते हैं एडमिशन, तो यहाँ पे भी मेरिट स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। 95% से ज़्यादा अगर आप लाते हो तो 100% ट्यूशन फी माफ, उसी तरह यहाँ पे हर एक स्कीम यहाँ रखा गया, ठीक है। पीजी कोर्सेज में भी आपको यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल रहा है। सोच रहो यहाँ बहुत कम कोर्स यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ऐसे तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, अगर आप एमटेक करते हो तो स्टाइपेंड जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है वो तो आपको मिलेगा ही, साथ में ये यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी अगर आप इतना मेरिट में अगर ये नंबर ला रही हो तो। मतलब हर जगह से आपको फ़ायदा, जैसे मेरिट एमटेक में भी एमसीए और एमए कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पे वो मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मास्टर्स इन योगा में करना है, स्कॉलरशिप फॉर जैक एंड बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स, अगर आपका 60% से ज़्यादा मार्क्स आया लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम में, अगर आप जैक बोर्ड या बिहार बोर्ड से आ रहे हो तो इतना फीस आपको माफ़ होगा। और अगर 90% से आप ज़्यादा लेके आ रहे हो तो 100% ट्यूशन फी माफ़ हो जाएगा और पूरे सेमेस्टर्स तक। तो आप सोच सकते हो आपके लिए स्कॉलरशिप ये बहुत अच्छा प्रोवाइड ये कर रहा है, ठीक है। अगर आप प्लेसमेंट डिटेल जानना चाहते हो कि भाई प्लेसमेंट कैसा है इस कॉलेज का, तो आपको वो पूरा डिटेल में जैसे प्लेसमेंट अगर आपको जानना है तो इनका अपना ब्रोशर है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे कंपनी से जैसे फाइनल प्लेसमेंट जो पिछले टाइम पे हुआ 2019-20 के बैच का MBA में, तो ये सब कंपनीज़ में इनका प्लेसमेंट्स हुआ, इंजीनियरिंग में इनके साथ इनका प्लेसमेंट्स हुआ, MBA में अगर 18-20 का देखा जाए तो यहाँ इन सब चीज़ों में प्लेसमेंट हुआ, इंटर्नशिप्स करने का MBA BBA वालों को इतना अच्छा मौका है। इंजीनियरिंग में भी आप जैसे अगर आप रांची के लोकेशन में जाओ तो रांची एक तरह से आप इंडस्ट्रियल हब समझ सकते हो, वहाँ पे हर एक इंडस्ट्रीज़ का कहीं ना कहीं आपको मोटर्स वाला देखने मिल जाएगा, टाटा मोटर्स हो चाहे टाटा स्टील हो, ये सब का एक एक ना सब्सिडरी जगह प्लांट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आप इंटर्नशिप्स या जॉब लगने का देख सकते हो। तो SBU का काफ़ी अच्छा जगह है भाई, आप SBU को बिल्कुल चुन सकते हो। अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हो तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए इस कॉलेज में। ये कॉलेज काफ़ी पुराना है, इनका रिकॉर्ड काफ़ी पुराना है, ये काफ़ी ध्यान देते हैं ये सब चीज़ों में, तो ये कॉलेज मिनिममली एवरेज एक लाइक से देखा जाए तो हाँ अच्छा है। और इन्होंने अपने खुद के वेबसाइट में खुद से ही लिखा है कि भाई AA+ कॉलेज है, बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन रांची, ठीक है। आप देख सकते हो इनको, प्लीज़ अब इनका नाम काफ़ी ऐसे भी फेमस है, ये चेहरा आपने बहुत बार देखा होगा, क्योंकि इन लोगों ने एजुकेशन को एक नया मोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने अब स्कूल्स भी अपने चला के रखे, पहले स्कूल्स था फिर अब यूनिवर्सिटी पे ही लोग आ चुके हैं, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही है, जहां मैंने आपको 10 मिनट के अंदर ही करीबन सब कुछ बता दिया जहां पे आप इस कॉलेज को बिल्कुल चुन सकते हैं अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं। तो मिलता हूं आपसे आगे के वीडियोज़ में कुछ और नए कॉलेज रिव्यूज़, कुछ नई और नोटिसेस, कुछ नई और जानकारियां लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।